ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ 5 जून से किया जाएगा। साथ ही बात महाराष्ट्र की एक अनोखी खबर पर भी करेंगे, जहां पुलिस स्टेशन के 4 आरोपी रातों रात करोड़पति बन गए। और बताएंगे रोहतास में बेदानी गांव को खुले में शौच मुक्त करने का ग्रामीणों ने लिया संकल्प। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर दमोह के बटियागढ़ से, जहां प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के समस्त जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर प्रदेश के समस्त पंचायतों में नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ 5 जून से किया जा रहा है। अभियान 15 जून तक चलेगा। इसी को लेकर नगर से निकली जुड़ी नदी की सफाई को लेकर जनपद पंचायत बटियागढ़ सभागार में जनप्रतिनिधि, ग्राम के गणमान्य लोग, मीडियाकर्मी सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने सुझाव रखे। जन भागीदारी से जुड़ी नदी की सफाई का कार्य 5 जून से किया जाएगा, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों के साथ जन भागीदारी से किए जाएंगे। बैठक में तहसीलदार रोबिन जैन, व्यास घनश्यामपुरा, सरपंच पंडित नरेंद्र कटारे, भगत पटेल, श्रीकांत पटेल, राजेश चौरसिया, जनपद सदस्य अमजद खान सहित क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 5 जून से 15 जून तक नमामि गंगे परियोजना शुरू की जा रही है। इसी क्रम में बटियागढ़ की जुड़ी नदी की सफाई का कार्य जन भागीदारी से 5 जून से किया जाएगा। जून से 15 जून तक रहेगी। इस योजना अंतर्गत नदी, तालाब, कुएँ, बावड़ियाँ और स्टॉप डैम, इस तरह के इनके जीर्णोद्धार और उनका पुनर्जीवन करने का जो है प्रावधान है। और जनपद पंचायत बटियागढ़ के अंतर्गत 5 तारीख को जूड़ी नदी में उसका जन भागीदारी के माध्यम से आज बैठक संपन्न हुई है, और उसमें निर्णय लिया गया कि जन भागीदारी से उस नदी का पुनर्जीवन किया जाएगा, उसका जो सेटिंग है उसको निकाला जाएगा और सफाई की जाएगी और उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नाचल वेल डोंगरगांव मोहरा इलाके में मंगलवार आधी रात को किसानों ने 6 लोगों को संसद भवन के आसपास बटन लेकर घूमते देखा, तो उन्होंने अन्य किसानों को जगाकर इकट्ठा किया और आरोपियों का 1 किलोमीटर तक पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि वो क्या कर रहे थे। झूठी जानकारी देने के बाद बाकी किसानों ने उन्हें परेशान किया और कहा कि हम गुप्त धन की तलाश में थे, और पुलिस को सूचना देने के बाद उन्हें पिशोर पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपियों के नाम शेख बशीर शेख शेरो, अब्दुल रहीम शेख और शाह यूसुफ शाह, ये सभी आरोपी बोर गांव के थे। बता दें आरोपियों के पास से मनी लॉन्ड्रिंग सामग्री और मोटरसाइकिलें जब्त की गई, और भी बड़ी टोली का संचय गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर के कन्नड़ तालुका की करंजखेड़ में 1 मई 2024 को लेकर 13 व्यक्तियों ने शेख मोहम्मद शेख लाल के घर पर हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि परिवार अचानक हुए हमले का जवाब देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंकी गई और लोहे की रॉड से हमला किया गया। पीड़ित परिवार का बड़ा बेटा मुश्ताक शेख मोहम्मद के सिर पर रॉड से हमला करके वो पिछले 22 दिनों से एम्स अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहा है। सर पर रॉड से वार किए जाने के कारण वो कोमा में है और बाकी 4 लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए। साहब एक बात थी, हमारे घर को 13 लोग आ गए। 13 लोगों ने क्या करे, फुफनिया फेंकी और 2-3 जन टांगे मारने पे रहते थे, और वो 3-4 बच्चे मेरे घायल करके डाल दिए, और वो बच्चे को ऐसे मारे कि वो बेहोश, अभी भी दवाखाने में, बुढ़ी का पैर तोड़ डाले, मेरा सर फोड़ डाले, मेरी फटली तोड़ डाले, और इसमें बड़े दवाखाने में जाके बड़ा हुआ है बच्चा। अब वो कहता है तुम इतना न्याय हमको दो मेहरबानी करके, क्या ऐसा होगा क्या साहब, क्या हमको मरना मुश्किल आ गई, ऐसी बात आ गई। अब एक बात है, सवाल रहा है, क्या 9 लोग फालतू फिर रहे, हम 4 लोग अटक कर दिए उन्होंने, अब पुलिस वाले कोई हमारा इंतजाम कर रहे नहीं, पुलिस वाले हमारा भाग ले रहे नहीं, आप तुम्हारे को क्या न्याय देने का तुम दो साहब, नहीं तो हम मरने को बैठे हुए। आप रात का घर पर आ रहे मेरे 3-4 जने,
ठीक मार डालेंगे काट डालेंगे। 12-13 झरने बाहर के गाड़े दो गाड़े आए थे, 7-8 झरने बाहर के थे, ये घर के थे, ये भिकू पाशु, ये उसके दो बेटे, उसके दो इसके पाशु के दो बेटे, भिकू के दो बेटे और हमारा कलीम भी, और वो सब आके लकड़ियाँ टामिया लाए, बड़ा बड़ा टामिया मेरे बच्चों को मारे। मैं देखने को गई तो मेरे भी पाँव पे डाल दिए टामिया, मेरे को भी बुकटा फेंके, पहले टाने सिर में डाले, मेरे बच्चे बेहोश है अभी, अभी दवा खाने में पड़ा हुआ है, मेरा बच्चा सुध नहीं है, 24 दिन हुए तभी सुध भी नहीं है, मेरा पाँव टूट गया, मेरे को चलते हैं पड़ी है, तुम साहब इसका कुछ इंक्वारी करो, इसका कुछ हमारा कुछ नाम लगाओ, हमारा गरीब लोगों और कुछ करो हमारा कुछ। लोगों ने तुमने चार बच्चे उन्होंने कर दिए, वो छुपे हुए हैं वहाँ बैठे हुए हैं, कटकटी गेट पे खाना खा रहे हैं, होटल में रह रहे मजे से, तुम उनका कुछ इंक्वायरी करो, उनका कुछ उनको सबको जमा करो, हमारी टीम हमारा ये करो। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है जहाँ अंतिम चरण के मतदान में काराकाट हॉट सीट बनकर उभरी है, लेकिन इस बीच इस हॉट सीट में चुनाव प्रचार में बारगल की भी एंट्री हो गई। बता दें काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगातार नेताओं और भोजपुरी गायकों का चुनाव प्रचार का दौर रहा, लेकिन इन दिनों चुनाव प्रचार के लिए बार गर्ल की डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। वायरल वीडियो में बार गर्ल मंच पर थिरक रही है, साथ ही चुनाव प्रचार के गीत बज रहे हैं। काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह का बैनर भी दिख रहा है। ये वायरल वीडियो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के किस इलाके का है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह के चुनाव प्रचार का ऑडियो सुनाई दे रहा है, जिसके म्यूजिक पर लड़कियां नाच रही हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल पहले ही जब से भोजपुरी कलाकार पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं, हालांकि उसके बाद लगातार भोजपुरी से जुड़े गायक डांसर आदि अपना परफॉर्म करते रहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पवन सिंह को मरिए, लेकिन इस बीच बेंच पर बालगढ़ की एंट्री एक नए बहस को जन्म दे चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार में बालगढ़ का उपयोग किया गया। काराकाट में 1 जून को मतदान होना है, लेकिन इसी बीच ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बीच में निर्दलीय आने से अचानक काराकाट में चर्चा बनी हुई है। तेजी से इलाके में वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है, क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से जातीय गोलबंदी भी देखी जा रही है। एनडीए INDIA गठबंधन के सामने की आमने सामने की लड़ाई अब त्रिकोणीय बन चुकी है, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बाल गर्ल का वीडियो वायरल होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर तरहसी से जहां समीर कुमार पांडे के घर पर बेदानी कला के ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में ग्राम स्तर पर एक संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम ग्राम विकास संगठन बेदानी पर तरहसी पलामू रखा गया। सर्वसम्मति से सेवानिवृत्त टीचर रामेश्वर पांडे को अध्यक्ष, राजेंद्र पांडे को उपाध्यक्ष, प्रवीण कुमार पांडे को महासचिव, नरेंद्र कुमार पांडे को संरक्षक, अरुण पांडे को संगठन मंत्री, दिनेश पांडे को कोषाध्यक्ष, समीर कुमार पांडे और प्रेमचंद पांडे को सदस्य चुना गया। कमेटी के विस्तार बाद में किया जाएगा। समीर कुमार पांडे ने कहा कि कमेटी का मुख्य कार्य सामाजिक एकता और अखंडता की रक्षा, लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द का वातावरण का निर्माण, स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव का निर्माण, समय समय पर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना है। बैठक में गांव को खुले में शौच मुक्त करने का संकल्प लिया गया। रामेश्वर पांडे ने कहा कि समाज ने हमें जो दायित्व दिया है उसको पूरा करेंगे, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास ही मेरा लक्ष्य होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार पांडे। क्या वजह है कि यहाँ पे ग्रामीण एकत्रित हुए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो अमानत नदी घाट का जो श्मशान घाट है, जिस पर तकरीबन यहाँ सुग्गी पकरी गोगदा तिलडीहा मटपुरी इस तरह के 10-15 गांव का दाह संस्कार होता है और वहाँ पानी का भी घोर किल्लत है, इसलिए जो भी वहाँ दाह संस्कार कार्य में जाते हैं उनको स्नान ध्यान या पानी पीने में बहुत भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग ये एक मीटिंग रखे हैं और आपके माध्यम से वीडियो साहब से हम ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ अति शीघ्र इस गर्मी में पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि सभी इस तरह के कार्य हैं सो सुगमता पूर्वक हो सके। कल का क्या घटना है? कल का घटना है कि यहाँ लगातार 2 दिन पहले और कल भी हम लोग गए थे दाह संस्कार में,
इस गांव के ही गुजर गए थे बुजुर्ग लोग, राजमणि साहब उनका नाम है, कल उसके पहले भुजन पांडे नाम के व्यक्ति गुजरे परसों चौथा दिन। और वहां जाने पर स्नान के अलावा, हाथ पैर धोने के अलावा पानी पीने का भी घोर किल्लत था। हम लोग एकदम बहुत परेशानी का सामना किए वहां, और हम लोग उसी समय निर्णय लिए, आज भी हम लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अति शीघ्र वहां पानी की व्यवस्था की जाए। हुआ आपका? प्रवीण कुमार पांडे। क्या हुआ आप? बिहित तरहसी प्रखंड अध्यक्ष। क्या कारण है कि यहां ग्रामीण बैठे हुए हैं और क्या बैठक का क्या उद्देश्य है? आज हम लोग का बैठक जो है, ग्रामीण बैठक अमानत नदी दाह संस्कार घाट के लिए बैठक हुई है, जिसमें जल का बहुत ही गर्मी के समय किल्लत हो जाता है। इस वर्ष तो मानत में जल स्तर बढ़ा नहीं, बरसात हुई नहीं, तो क्या पूरे महीने जो है, पूरे वर्ष जो है पानी का किल्लत वहाँ हुआ? नहीं नहीं, पूरे वर्ष नहीं होता है, गर्मी के दिन में अक्सर नदी सूख जाती है, जिस कारण दाह संस्कार में हरेक वर्ष गर्मी के दिन में चार माह। क्या मांग करना चाहते हैं आप? जनप्रतिनिधि से लेकर के विधायक, सांसद एवं डीसी से, डीसी महोदय आपके द्वारा या प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मांग करते हैं कि वहाँ एक जल मीनार की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था तथा वहाँ पर जितने भी दाह संस्कार करने हिंदू समाज के लोग जाते हैं उनका एक पानी का व्यवस्था भी बने, जिससे कि सभी का, हिंदू समाज लोग का। समीर कुमार पांडे। ये जो बैठक हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कहाँ पे ये बैठक हो रही है? इस बैठक का उद्देश्य जो है सो तरहसी बाजार के किनारे अमानत नदी जो है उसमें आपको हमारे गांव जो बेदानी है उसके अलावे कई अन्य गांवों के मरणोपरांत दाह संस्कार होता है। अभी इस भीषण गर्मी में वहां पानी का एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। दाह संस्कार में जो लोग जा रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे गांव में बीते 10 दिनों में 2 देहांत हुआ, हम लोग खुद गए थे वहाँ, हम लोग परेशानी महसूस किए, और आज जो है सो आपके माध्यम से क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम समाज सेवी और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी तरह से अपील करते हैं अपने ग्रामीणों की तरफ से कि तत्काल पेयजल की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करावें। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।